CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है दसवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो। पेश है दसवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का आठवां पाठ। रतन सिंह, सफा नंबर 60। तारुफे अफसाना निगार रतन सिंह, पैदाइश सन 1927। रतन सिंह जिला सियालकोट में पैदा हुए, वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बाद में दिल्ली चले आए और कुछ अरसा लखनऊ में रहे। उनकी पहली कहानी मम्मी तुम एक दीवार हो सन 1953 में शाये हुई। सन 1969 में उनके अफसानों का पहला मजमुआ पहली आवाज मंजर-ए-आम पर आया। उसके बाद उनके कई अफसानवी मजमुए शाये हुए, जिनमें पिंजरे का आदमी, मानिक मोती और काठ का घोड़ा शामिल हैं। सुबह की परी बच्चों की कहानियों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू में बाज़ पंजाबी अफसानों और नॉवलों के तर्जुमे भी किए। रतन सिंह का ताल्लुक भी अदीबों की उस नस्ल से है जो तरक्की पसंद तहरीक के साथ ज़हनी और नज़रियाती वाबस्तगी रखते थे। इन दिनों रतन सिंह का मुस्तकिल क़याम नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। सफ़ा नंबर 61। अफसाना, मन का तोता। अफसाना निगार रतन सिंह। आइए अब सुनते हैं अफसाना निगार रतन सिंह का अफसाना मन का तोता। एक दिन ये हुआ कि मेरे मन का तोता फुदक कर मेरे जिस्म से बाहर आ गया और मेरे सामने तिपाई पर बैठ गया। ये क्या भाई, बाहर क्यों आ गए? मैंने हैरान होकर पूछा। जिस्म के अंदर पड़ा पड़ा मैं बड़ी घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए सोचा कि जरा बाहर की हवा खाई जाए। ये कहते हुए वो तिपाई से उड़ा और बड़ी मेज पर जाकर किताबों के ऊपर बैठ गया और एक किताब को चोंच मारकर उसने खोल दिया। अरे 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 अरे, क्या करते हो भाई, किताब है फट जाएगी। फट जाए तो अच्छा है, इन्हें पढ़ पढ़कर ही तुम मुझे अपनी मर्जी नहीं करने देते। अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अरे तो ठीक ही तो कहता हूं। तोते ने मेरी बात अनसुनी करते हुए उड़ान भरी और एक पहाड़ की तस्वीर के चौखटे पर जाकर बैठ गया। उसमें एक पहाड़ी नदी पत्थरों के बीच बहती हुई बहुत भली लग रही थी। कुछ देर वो नदी की तरफ देखता रहा और फिर बोला, जिस तरह ये नदी का पानी पहाड़ों के घेरे में बंद होकर नहीं रह सकता, उसी तरह मुझसे भी अब तुम्हारे अंदर नहीं रहा जाता। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैंने एक जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार कर देख ली। तुम्हारे साथ रहकर मेरी तो एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। सफा नंबर 62। लेकिन भाई, मैं वही तो करता हूं जो मैं अपनी अकल के मुताबिक ठीक समझता हूं। तुम्हारी अकल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा उसमें दम घुटने लगा है। ये कहते हुए मन का तोता तस्वीर से उड़ा और बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की पर आकर बैठ गया। खुली हुई खिड़की की रोशनी में मैंने अपने मन के तोते की तरफ गौर से देखा। मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। गले में गहरी नीले रंग की कानी, सुर्ख चोंच,
हरे हरे पंख जैसे। क्या देख रहे हो? मन के तोते ने मुझसे पूछा। यही के तुम बहुत खूबसूरत हो। और आज मेरा मन दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए मचल रहा है। ये कहते हुए उसने उड़ने के लिए पंख तोले। अरे अरे अरे, कहां जाते हो? मैं शाम तक लौट आऊंगा। ये कहते हुए मेरे मन के तोते ने उड़ान भरी और आंख झपकते ही आसमान की खुली फिजाओं में पहुंच गया। यूं तो मन का तोता कभी भी मेरे काबू में नहीं रहा, तस्वर ही तस्वर में ये अनदेखी अनजानी वादियों में भटकता रहता था। कभी घने जंगलों के साए में भटकता फिरता तो कभी साइबेरिया के बर्फीले इलाके में पहुंच जाता, कभी तपते हुए रेगिस्तान में से गुजरकर उसी नखलिस्तान के ठंडे मीठे साए में जाकर लेटा रहता, तो कभी किसी पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर पानी की मधुर कलकल को सुनता रहता। यहां तक कि कभी कभी तो अंदर भगवान की नगरी में पहुंचकर किसी सरोवर के साफ शफाफ पानी में अटखेलियां करता रहता, लेकिन ये सब तस्वर ही तस्वर में होता था। तस्वर ही तस्वर में ये कई किस्म के अनोखे चेहरे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता। अरे ये कौन है? ये तुम्हारे तखयुल की उपज है। मेरा तखयुल या तुम्हारा अपना फितूर? कुछ भी समझो, जिंदगी में तुम्हारा इन सब से रिश्ता है। अब नहीं नहीं, ये मेरे कुछ नहीं लगते। क्या क्या तुम खुदा की कायनात से बाहर हो? अब बाहर तो नहीं हूं, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं जानता। अगर कायनात के भेद जानना चाहते हो तो इन सब को देखो जो मैं नहीं दिखा रहा हूं। ये कहते हुए वो एक नया चेहरा मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता, या फिर आन की आन में किसी अनजाने देश के अनजाने शहर में किसी पुल पर खड़ा होकर नीचे बहते हुए दरिया का नजारा देखने में महू हो जाता। सफा नंबर 63। ये सब तो अक्सर होता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा उस दिन हुआ कि वो बजाते खुद मेरे वजूद से बाहर निकल आया और अब पता नहीं खुदा की कायनात में कहां भटक रहा था। उस दिन मैं सारा दिन परेशान रहा। इसी परेशानी के आलम में कहीं आंख लग गई तो कंधे के नीचे मेरे बाजू पर पता नहीं किसी चीज ने काट लिया। मेरे घर में चूहे बहुत हैं, इधर उधर भी घूमते रहते हैं और फिर कूड़ किरलियां भी हैं। पता नहीं किसने मुझे बेसुध पाकर काट लिया था। पट्टी कर देने से लहू बहना तो बंद हो गया था, मगर बाजुओं में दर्द काफी होता रहा। इसी परेशानी में किसी न किसी तरह शाम हो गई। बाजू के दर्द से ज्यादा मुझे मन के तोते की फिक्र थी, इसीलिए आसमान की तरफ आंखें जमाए बैठा हुआ था। तभी मेरे मन का तोता धीरे धीरे उड़ता हुआ आया और खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल होकर तिपाई पर बैठ गया। मैंने देखा उसका हुलिया बेरंग हो रहा था, पंख नुचे हुए थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कहो कैसी बीती? मैंने उसे दिलासा देते हुए तिपाई से उठाकर हाथ की हथेली पर बैठा लिया। कुछ देर तक वो अपनी सांस काबू में करता रहा। जब उसका दम में दम आया तो बोला, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं यहां से
उड़ा तो बहुत दूर एक बहुत बड़े पेड़ों के झुंड में उतरा। वहां तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। वहां अपने भाई बंधुओं के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस पेड़ पर मैं उतरा था वो भी बड़ा सुंदर था। जिसमें कुछ ठंडक आई तो मैंने चारों तरफ देखा। कबूतर, कौवे, मैना, चिड़िया सभी फुदक रहे थे। तभी मैंने एक टहनी पर तोतों की एक टोली देखी। उनमें एक तोती मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे मन में आया कि उस तोती के पास चलकर बैठता हूं, कुछ मन बहल जाएगा। सफा नंबर 64। अभी मैं उसके पास जाने की बात सोच ही रहा था कि एक तोते की नजर मुझ पर पड़ गई। पहले तो वो कुछ देर मुझे घूर घूर कर देखता रहा, मगर फिर उसने ऐसी टैंटें शुरू की कि उसके साथ मिलकर बाकी तोते भी टैंटें करने लगे। मेरी समझ ही में न आया कि माजरा क्या है। इतने में क्या देखता हूं कि वो सभी तोते एक साथ वहां से उड़े और मेरी तरफ झपटे। उनसे घबराकर मैं ऐसा दुम दुबाकर उड़ा कि कुछ पूछो नहीं। अच्छा, और उन तोतों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया? मुझसे तेज भला इस दुनिया में कौन उड़ सकता है? पीछा ना छोड़ते तो क्या करते? मगर तुम बीच में टोको नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी रुदाद फिर सुनानी शुरू की। अब मैं पेड़ों के उस झुंड से उड़ा तो उड़ते उड़ते एक दरिया के किनारे पहुंच गया। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए मैं कितनी देर तक दरिया के साथ साथ उड़ता रहा। बड़ा मजा आया। आगे गया तो दरिया के किनारे एक बड़ा ही खूबसूरत सा पेड़ उगा हुआ दिखाई दिया। उस पर लगे हुए फूलों से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। दूर से फूल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के सितारे पेड़ पर बैठकर दरिया के बहते हुए पानी को देखकर मन बहला रहे हों। मैं जल्दी जल्दी पंख मारता हुआ जब उस पेड़ के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत औरत गहरे आसमानी रंग की साड़ी पहने अपने ध्यान में मगन दरिया की लहरों की तरफ देख रही थी। उसे देखते ही मैं जल्दी से जमीन पर उतरा और तोते का जामा छोड़कर इंसानी जामा पहन लिया और अपने जहन में बहुत से हसीन सपने बुनता हुआ उस पेड़ की तरफ चलने लगा। अभी मैं उससे 10-15 कदम दूरी पर ही था कि उस औरत की बांदी ने मेरा रास्ता रोक दिया। मालकिन के पास जाने की किसी को इजाजत नहीं। अब क्यों, क्या बात है? देखते नहीं वो अपने महबूब की याद में किस तरह डूबी हुई है। ओ, तो कौन है उनका महबूब? मैंने बेचैन होकर पूछा। देखा तो उसको उन्होंने भी नहीं, बस एक बार सपने में आया था। सपने में आया था तो हो सकता है वो मैं ही हूं, हो सकता है वो मेरी ही बाट देख रही हूं। मैं भी ऐसे सपने बहुत देखता हूं। ये कहते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाना चाहा तो ऊंचे फन लहराते हुए दो सांपों ने मेरा रास्ता रोक दिया। मैंने डरकर झट से अपना कदम वापस ले लिया तो वो सांप भी नजरों से ओझल हो गए। सफा नंबर 65। मेरी मालकिन के पास जाकर किस्मत आजमाना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस बस्ती में जाना होगा। बांदी ने दरिया से थोड़ा हटकर बसी हुई एक बस्ती की तरफ इशारा किया। वो दूर देख रहे हो, वहां हाट लगी हुई है, हीरे मोती बिक रहे हैं,
चमकते दमकते जेवर बिक रहे हैं, खूबसूरत मकान बिक रहे हैं। ये सब खरीद कर आओ तो तुम्हें चंद कदम दरिया के किनारे चलते हुए मालकिन से बात करने का मौका मिल जाएगा। और अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर दरिया के किनारे चलते हुए रेत पर बनने वाले तुम्हारे पाँव के निशान पानी की लहरों से मिटे नहीं, तो मालकिन समझ जाएगी कि तुम ही उसके सपने वाले महबूब हो। अब ये पाँव के निशान ना मिटने का क्या राज है? कोई राज नहीं। सपने में जो महबूब उसके पास आया था ना, उसने अपनी यही निशानी बताई थी। अच्छा, ये कि दरिया के किनारे जब वो मालकिन के साथ चलेगा तो उसके पाँव के निशान मिटेंगे नहीं? हाँ। मैंने एक नजर भरकर मालकिन की तरफ देखा, ऐसा लगता था जैसे मेनका और उर्वशी इंद्र का दरबार छोड़कर इस धरती पर आ गई हों, या फिर वो इसी धरती का सबसे खूबसूरत फूल थी। मुझे उसकी खूबसूरती में गुम होकर बुत बनते देखकर उसकी बांदी ने झिंझोड़ा। अरे सुनो। ओहो सुनो। अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो जल्दी जाओ। तुमसे पहले भी कई लोग जा चुके हैं वहां। अगर वो सब कुछ हासिल करके पहले लौट आए तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। मैंने सोचा किस्मत आजमाने में कोई हरज नहीं और फौरन चल दिया। जब मैं उस बस्ती में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि बाजार में बड़ी गहमागहमी है। पहली ही हाट पर हीरे मोती और सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और उसका मालिक एक ऐसा आदमी था जिसकी गर्दन के ऊपर आदमी के सर के बजाय सांप का फन लहरा रहा था। भैया सुनिए, ये धन दौलत का ढेर कितने का है? मैंने पूछा। धन दौलत की कीमत धन दौलत तो हो ही नहीं सकता। दुकानदार ने अपनी दो फाड़ जबान को लहराते हुए कहा। तो फिर ये कैसे मिल सकता है? मिल सकता है, बड़ी आसानी से मिल सकता है। सफा नंबर 66। अब अच्छा बताओ तो कैसे? सिर्फ एक बार अपने बाजू पर मुझे काट लेने दो, ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। सांप के काटने से मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने वो दौलत का ढेर हासिल कर लिया। उसके साथ ही एक आदमी कि जिसका चेहरा जोंक जैसा था जेवर बेच रहा था। उसकी शर्त ये थी कि जो भी उसे एक बार पेट भर खून चूस लेने देगा उसे वो सारे जेवर दे देगा। मैंने जल्दी से जोंक से उसी जगह से खून चुसवा लिया जहां सांप ने काटा था और इस तरह मैंने सारे जेवर हासिल कर लिए। अब मकान की कसर रह गई थी। इत्तेफाक से अगला दुकानदार मकान ही बेच रहा था। जब वो मुझे अपना मकान दिखा रहा था तो उसके चेहरे पर कोयल का चेहरा था और उसकी आवाज बड़ी सुरीली और मीठी थी। लेकिन जब मकान मुझे हर लिहाज से पसंद आ गया और दाम तय करने की नौबत आई तो उस दुकानदार ने अपनी गर्दन से कोयल का चेहरा उतार कर उस पर अकाब का चेहरा लगा लिया। उफ, कितनी भयानक थी उसकी वो शक्ल। उसकी गोल गोल आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। वो बोला, ये धन दौलत और जेवर सब कुछ एक तरफ रख दो और आसमान पर उड़ते हुए इन पक्षियों को गिनो। अगर तुमने सही गिन दिया तो मकान के साथ साथ रुपया पैसा और जेवर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर गिनती गलत हो गई तो मकान तो मिलेगा नहीं, अपने धन दौलत से भी हाथ धोना पड़ेगा।
मैंने उसकी शर्त मान ली और पक्षी गिनकर कहा, 20 हैं। नहीं, 21। और उसने मुझे 21 पक्षी गिनवाकर मेरा सारा धन दौलत समेट लिया। इस तरह मैंने 5 बार सांप को कटवाया, 5 बार जोंक से लहू चुसवाया, लेकिन हर बार ये होता कि पक्षी गिनते वक्त मुझसे गलती हो जाती। मैं गिनता 21 तो पक्षी 22 निकलते, मैं कहता 23 तो पक्षी 24 निकलते। आखिर में 6ठी बार मकान के मालिक को मुझ पर तरस आ गया। वैसे भी वो अपने मकान के 5 गुना दाम तो मुझसे वसूल कर ही चुका था, इसलिए उसने कहा, तेरा इश्क सच्चा है, तेरी जरूरत भी बड़ी है, इसलिए पक्षी गिने बगैर ही मैं ये मकान तुमको देता हूं। बस फिर क्या था, मैं अपना धन दौलत और जेवर उस मकान में रखकर उल्टे पांव दरिया के किनारे पहुंचा तो क्या देखता हूं कि ना तो वो फूलों से लदा पेड़ ही मुझे दिखाई दिया और न ही वो फूल सी औरत ही वहां मौजूद थी। जहां तक मेरी नजर जाती थी दरिया का पानी था जो कल कल करता हुआ हदे नजर तक बहता चला जा रहा था। मैं बहुत देर तक वहां मायूस सा खड़ा रहा, आखिर सोचा वापिस ही चलूं। सफा नंबर 67। तभी दरिया के किनारे पर मेरी नजर गई, किसी के पांव के गहरे निशान बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो उस औरत को उसका महबूब मिल गया, मैंने सोचा। मेरी नजर उन कदमों के निशानों का पीछा करती हुई बस्ती की तरफ उठी तो मुझे लगा जैसे मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही हो। दूर दूर तक किसी बस्ती के कोई आसार नहीं थे, बस एक चटियल मैदान था जो उफक तउफक फैलता चला गया था। अब हैरान होकर देखता हूं कि मेरे पांव के नीचे जमीन भी है या नहीं, तो पाया कि जमीन तो है मगर वो दरिया और उसका कलकल करता पानी गायब है। मैं किसी जादू नगरी में पहुंच गया हूं, मैंने सोचा और घबराकर जल्दी से अपने इंसानी जामे को वहीं छोड़ा। फिर वही मन का तोता बनकर उड़ान भरी और अब तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे मन के तोते की कहानी खत्म हो गई तो उसने अपनी गर्दन यूं नीचे डाल दी जैसे बहुत थक गया हो। एक ही हथेली पर उसे बैठाए हुए मेरा बाजू भी थक गया था, इसलिए मैं उसे दूसरे हाथ की हथेली पर बैठाने लगा तो बाजू में दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। अब आ, 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 क्यों, क्या हुआ, उसने घबरा कर पूछा। जहां तुमने सांप से कटवाया था वहीं दर्द हो रहा है। ओ, तब तो बहुत सा खून भी शरीर से निकल गया होगा। अब हाँ, जोंक 6-6 बार चूसेगी तो कुछ तो होगा ही ना। अब मुझे वाकई बड़ी शर्मिंदगी है, मन के तोते ने कहा और उसने एक मर्तबा फिर गर्दन नीचे डाल दी। तुम्हें आराम की जरूरत है, मैंने उसे ढारस बंधाते हुए कहा। हाँ है तो, ये कहते हुए मन का तोता फौरन जिस्म में दाखिल हो गया। अगले दिन सुबह हुई तो मैं क्या देखता हूं कि वो फिर पहले की तरह नौ बनो ताजा बताजा मेरे जिस्म से निकलकर मेरे सामने तिपाई पर बैठ गया, फिर उसी तरह फुदकता हुआ पहाड़ की तस्वीर के पास गया और फिर वहां से मुझे कुछ कहे बगैर
खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। तब से मेरे मन के तोते का यही हाल है। पता नहीं जिंदगी की कौन कौन सी कशिशें हैं जो मेरे मन के तोते को अपनी तरफ बुलाती हैं। पता नहीं कैसे कैसे मीठे सपने अपने दिल में समोए हशाश बशाश वो घर से रोज निकलता है और हर शाम थकाहारा मायूस और उदास वापस लौट आता है। अपने मन के तोते की नई दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए मैं हर शाम तैयार रहता हूं। रतन सिंह। सफा नंबर 68। मश्क। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1। मुसन्निफ ने मन का तोता से क्या मुराद ली है? सवाल नंबर 2। तुम्हारी अक्ल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा उसमें दम घुटने लगा है, तोते ने ऐसा क्यों कहा? सवाल नंबर 3। हर शाम मायूस लौटने के बाद भी मन का तोता हर सुबह घर से क्यों निकल जाता है? इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ। गुलजारे उर्दू भाग 2 का 8वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 9 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।